क्या कमाल का इल्जाम है, जमहूरी मुल्क में इल्जाम ये लग रहा है कि ये इलेक्शन कराना चाहता है और ये लोटे भगोड़े चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान की आम आवाम को जिन्होंने कुछ कहा है, जाली तौर पे घरों से जिनके घुस के घरों से उठाए हैं बंदे, गैर कानूनी इकदाम किए हैं, साफ होगा तो ये लोग जेल में जाएंगे। वैसे जेल में जाएंगे, पहली दफा तारीख में आप देखेंगे कि तबीयत साफ हो जाएगी। ये क्या समझ रहे हैं कि दौर एक सा रहना है? ये शायद एक नई तारीख 75 सालों में रकम हुई है। इससे पहले सिर्फ यही हुआ है कि कोई जुलूस किसी तरफ जा रहा है ना, किसी या किसी के घर के बाहर या किसी बिल्डिंग के बाहर पहुंचा है तो उस पे लाठीचार्ज हो। ये हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हम अपने लीडर के पास बैठे हुए, साढ़े यहाँ पे आके मारना शुरू कर दिए। जोश है, हर किस्म का नजरियाती कारकुन है हमारा, सोच समझ के पाकिस्तान की आजादी के लिए उसको बता दिया। तकरीबन 16-17 सालों से, 17 साल हो गए मुझे सड़कों पे, सपोर्ट खैर हमेशा से हमारी एक खान साहब को पता है और खान साहब इस बेसिस इन बेसिस को नहीं मानते और पार्टी के साथ वाबस्तगी की वजह से मैं यूथ का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। 13 में भी मैं इलेक्शन लड़ा, 18 में भी लड़ा सिर्फ सियासत से भी आगे चली की बात, ये रिश्तेदारी और सियासत से आगे जो बात है। सही, यहाँ पे मैं जितने भी कारखाना है खान साहब को मुर्शद का खिताब देंगे उन्हें, तो आप उनका जो मोहब्बत खान साहब से देख के क्या फील होता है सर? देखिए, ऐसी किसी सियासी लीडर के लिए तो आपने, मैंने तो नहीं देखी अपनी जिंदगी में इस तरह की, किसी मजहबी लीडर की भी मैंने ऐसी इतनी जो है ना वो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला के, ये अल्लाह ताला के ना खास करम है, ये खास अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है के लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत है इमरान खान की, लोगों के दिल उसकी तरफ मोड़ दिए। ये ऐसे नहीं, ये आपकी दुनियादारी सिर्फ ऐसा नहीं करती, ये अल्लाह ताला जो खान साहब से इकदाम पिछले उनकी जिंदगी के 50 साल हो गए उनको पब्लिक में, जो वो सारी जिंदगी का क्रक्स है ना, वो ये है कि आज दुनिया उनकी बेलॉस मद्दा है, बेलॉस सपोर्टर है, बेलॉस वोटर है। सर, आप इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं टाइम के ऊपर, मुझे जिस तरह हम देख रहे थे मामला जो है, जो अपोजिशन वाले लोग हैं जनाब खान साहब में इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब के खान साहब को पंजाब की हुकूमत जो है प्लेट में डाके दे दी गई है फैसले के बाबत, इल्जाम लगा रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन कराना चाहता है। क्या कमाल का इल्जाम है, जमहूरी मुल्क में इल्जाम ये लग रहा है कि ये इलेक्शन कराना चाहता है और ये लोटे भगोड़े चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, यानी इलेक्शन लड़ के जिस पोजिशन पे बैठे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन ना हो। हर किस्म की ये कानून साजी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो। सर, एक कहते हैं खजाना भी नहीं है हमारे पास, क्या हम इतना खजाना नहीं है वफाक में जनाब इलेक्शन के वो बजट को बर्दाश्त कर सके, तो क्या वो मुस्लिम लीगों को खाना सर इलेक्शन को टाल रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या हिम्मत है? खजाने में पैसे तो छोड़ दे, मुल्कों में क्राइसिस का हल इलेक्शन होता है। ये पता नहीं कौन से जाहिल लीडर आ गए हैं, कौन से जाहिल सियासतदान आ गए हैं, दुनिया पूरी में जिस मुल्क में क्राइसिस आता है वो फौरी तौर पर एक फ्रेश इलेक्शन कॉल करते हैं ताकि फ्रेश मैंडेट आए, जिसके पास क्रेडिबिलिटी हो, जिसके पास मैंडेट हो नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का, जो नए उस मुल्क में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन कर सके। मरियम नवाज ये कहना चाह रही है, तो ये है कि हम पाकिस्तान तरीके से आपको काले दम जमात करा देना चाह रही है, वो कि मुस्लिम सीधे बहाने से यहाँ पे कि वो असेंबली हो शादी को, तो आप क्या समझते हैं असेंबली क्या होगी? जनाब यही होता है, जब मैच जीत ना सको तो रूला डाल देते हैं कि अबू अबू एफ टीम बाढ़ करो, अबू अबू इनको ना खिलाओ, इनको बाढ़, ये तो बेसिक जिद्दी सा बच्चा है,
इसका ख्याल है कि मेरा बाप क्योंकि वजीर आजम था तो मेरा हक है पार्टी को लीड करना। जिद्दी सी एक बच्ची है जो कि फैसला करके चल रही है कि बस मैंने मुल्क बर्बाद होता रहा, भाइयों के कारोबार अपने सब कुछ जदादे बाहर भेज दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुल्क बर्बाद हो जाए। अब्बा जी बाहर बैठे हैं। इमरान खान साहब बड़े नरम दिल रखते हैं, इनसे कोई जाति दुश्मनी रहती है, जब हुकूमत में आते हैं माफ कर देते हैं। इस दफा खान साहब को माफ करना चाहिए जो उन्होंने जुलम किया। नहीं, जाति जो खान साहब जाति रंजिश नहीं रखते, ये मैं बता, लेकिन जो इस मुल्क को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, इस मुल्क की आवाम को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान की आम आवाम को जिन्होंने कुछ कहा है, जाली तौर पर घरों से जिनके घुस के घरों से उठाए हैं बंदे, गैर कानूनी इकदाम किए साहब को, क्या ये लोग जेल में जाएंगे? वैसे जेल में जाएंगे। पहली दफा तारीख में आप देखेंगे कि तबीयत साफ हो जाएगी। ये क्या समझ रहे हैं कि दौर एक सा रहना है? ये जो अभी इनके हाथ में अगर सरकारी बंदूकें हैं, लाठियां हैं, तो ये क्या पुलिस वाले हमें मारेंगे और आंसू गैस फेंकेंगे हमारे पैसों से खरीदे हुए और बगैर किसी वजह के? जी, यानी कि एक होता है ना कि हम कहीं अटैक, हम कहीं जा रहे हो वो साढ़े होते, हम जहाँ बैठे हमारे ऊपर अटैक हो गया। एक होता है अभी तक तो सिर्फ एक ही दफा में, ये शायद एक नई तारीख 75 सालों में रकम हुई है, इससे पहले सिर्फ यही हुआ है कि कोई जुलूस किसी तरफ जा रहा है ना, किसी या किसी के घर के बाहर या किसी बिल्डिंग के बाहर पहुंचा है तो उस पर लाठी चार्ज हो। ये हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हम अपने लीडर के पास बैठे हुए, साढ़े यहाँ पे आके मारना शुरू कर दिए। क्यों भाई, किस बात पे? वो जो वारंट लाए थे उसकी तो श्योरिटी बॉन्ड जमा करा दिया था, वो वारंट होता है कि अदालत में 18 को पेश हो, ये यकीन दहानी कराए। ऐसे वारंट किसी कचहरी में जाओ 5,000 रोल रहे हैं और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को एक फजूल से वारंट पे तुम आके लेने आ गए हो, जिसकी श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करा दिया। सर कारनार तो हान साहब के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, अपने बच्चे छोड़ के आ गए, आप हान साहब के लिए सर क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हीं कारकुन, मैं कारकुन में शामिल होता हूँ, मैं भी कारकुन में शामिल होता हूँ और कहीं पे अल्लाह की मेहरबानी से पीछे तो नहीं रहा। थैंक यू।